नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कर्मसेल। आज मैं मौजूद हूं भूमियार एकता मंच के राष्ट्रीय उपाध्याय जयकांत बस जी के पास। कल आशुतोष जी के द्वारा एक नई पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी का शुभारंभ किया गया बिहार में, राजनीति को देखते हुए और आगामी चुनाव को देखते हुए। हमारे जयकांत बस जी कैसे उस पार्टी को सहयोग करेंगे, कैसे रणनीति तय करेंगे, क्या एजेंडा रहेगा, इन सब बातों को लेकर आज हम जयकांत बस जी से बात करेंगे। और भूमियार एकता मंच कैसे उस नई पार्टी को सहयोग करेगा, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं जयकांत बस जी से और इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। जयकांत जी, नेशन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो भूमियार एकता मंच जी एक संगठन है जो समाज सेवा भी करता है जी, और सारे लोग को जोड़ के पिरो के रखता है जी। नई पार्टी का आशुतोष जी द्वारा उद्घाटन हुआ है जी, शुरुआत हुई जी जी जी। कैसे भूमियार एकता मंच उसमें शामिल होगा? शामिल नहीं होंगे, हमारा गाइडलाइन अलग रहेगा। हम अपने जो हमारा मुद्दा है उस पर काम करेंगे और वो उस जितने भी उनके एजेंडे हैं उस पर वो काम करेंगे। जो एजेंडा तय हुआ है उस एजेंडे पे वो काम करेंगे, तो हमारा 100% समर्थन रहेगा उनका। और किस तरह मदद करेंगे तो उसके लिए, जैसे कि हमने लॉकडाउन में आपने देखा होगा बिहार से लेकर दिल्ली NCR में, बिहार में अत्री विधानसभा में जो शैलेंद्र जी हैं, जिस तरह से 20,000 से 30,000 लोगों के बीच में घर घर जा के राशन बांटे हैं, तो वो जाति धर्म से ऊपर उठ के बांटे। इसी तरह से दिल्ली NCR में भी आप लोगों से पूछिएगा, हम उसके प्रूफ हैं। 2700 तो अकेला हम बांटे हैं, बाकी हमारी टीम वहाँ पर पूरा बांटी है। तो हम जाति धर्म से जब ऊपर उठ के बांटे हैं तो जाहिर सी बात है लोगों से मुझे आशा भी है। और लोगों को जो यहाँ पे बिहार में हैं उनको हम हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे जाति धर्म से उठ के। आशुतोष जी ने नई पार्टी का गठन किया है और वो पार्टी में जन जन की बात हुई है, तो आपकी पार्टी में भूमियार एकता मंच है, तो दलित, गुरबे, गरीब, बैकवर्ड, इनको कैसे समर्थन करेगी वो पार्टी? हमारा उस संगठन है जो कि गैर राजनीतिक संगठन है, जैसे कुर्मी का है संगठन, मलाह का संगठन है, जादो का संगठन है, उसी तरह से हमारा भूमिहार ब्राह्मण का संगठन है। और हम उसमें बेशक संगठन भूमिहार ब्राह्मण का है, लेकिन हम जाति पाति से उठ के उसमें हम सबको मदद कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। और यदि जन जन की बात कह रहे हैं तो जन जन में हमारा जब संगठन जन जन को मदद कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आशुतोष जी का जन्म हुआ है, वो सबको लेके चलने वाले हैं और वो जन जन को मदद करेंगे, दलित को मदद करेंगे, जादो लोग सबको मदद करेंगे। जो दलित हैं, बहुत से दलित लोग हैं जो कि उनको 90% से ऊपर दलित को जो उनका केंद्र से मिला हुआ है जो योजना है, कहाँ उनको लाभ मिलता है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे पूरा। गरीब और दलित, कोरोना के महामारी में इस बार सब लोगों ने देखा कि किस तरह से त्राहिमाम मचा है। आपकी पार्टी ने कितना सहयोग किया है इन गरीब मजदूरों और प्रवासियों को? अभी तक तो हमारा संगठन था, तो संगठन के माध्यम से कहिए तो बिहार में करीब करीब 50,000-60,000 के आसपास में सबके घर में राशन पहुंचाया गया है। मास्क और सैनिटाइजर वितरण काफ़ी हुआ, उसका कोई काउंट नहीं है हमारे पास। दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली NCR में 10,000 से ऊपर जैसे राशन बटे हैं और 12,000 से 15,000 के बीच में पर डे, मैंने 52 दिन लगातार भंडारा चला, लंगर चला है और सबको जा जा के खाना खिलाया गया है। और चूंकि लॉकडाउन का नियम था उसको तोड़ना भी नहीं था, तो काफ़ी चैलेंज हमने वहाँ पे झेला है। मंदिरों में अलग जगह पे खाना बनवा के घर घर जा के, जैसे गांव में बांटे जाते थे खाना शादी ब्याह होने के बाद, उस तरह से हम लोगों ने काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का उद्घाटन किया, आप भी हैं उसमें। ये पार्टी में सारे लोग आएंगे, पुराने पार्टी जो अभी यहाँ काम कर रही है बिहार में, वैसे कितने लोग संगठन जो उससे कितने लोग हैं जो समर्थन में हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी? इसमें सारे लोग समर्थन में हैं, लेकिन जो इंटरेस्टेड होंगे पार्टी में जाने के लिए तो यहाँ से रेजिग्नेशन दे के जा सकते हैं, यहाँ से इस्तीफा सौंपना होगा, वो जा सकते हैं। और वही जाएंगे जो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, जिनका इंटरेस्ट है, और जिनका समाज सेवा का इंटरेस्ट है वो इधर ही रहेंगे। राष्ट्रीय जनजन पार्टी में आप किस रोल में रहेंगे? अभी तक तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रोल पर हम देख ही रहे हैं, और आगे जैसे हमारे संगठन के लोग तय करेंगे कि
हमको क्या रोल दिया जाएगा, जो भी रोल मुझे मिलेगा हम पूर्ण निष्ठा के साथ काम करेंगे। मतलब आप राजनीतिक रोल भी यदि मिलता है तो उसको भी सहज स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक रोल हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने आशुतोष कुमार जो नेता हैं उनको सपोर्ट पूरा करेंगे, जन जन पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बिहार की राजनीति में अभी कोरोना के समय में लालू और सॉरी तेजस्वी और नीतीश की लड़ाई दिखने को मिली, जो अभी दो दिन पहले गोपाल ट्रिपल केस के मामले में जो उनका रैली होना था जिसको प्रशासन ने रोक दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब तो इनका चलता रहेगा, ये तो राजनीतिक मुद्दा है, कुछ सरकार की भी गलती है उसमें, जैसे सिंधवारी कांड हुआ और भी हथदा में महेंद्रपुर में जो कांड हुआ कि एक बच्ची है माँ के पास सोई है उसको उठा के जिंदे जला दिया जाता, सिंधवारी में खुलेआम जैसे मैंने दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर इनका बिल्कुल ख़त्म है। और यदि अब थानों की बात करें तो थाना में तो माफिया लोग का अड्डा है, थाना पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार की, तो सरकार विफल है। अब उस मुद्दे पे उनका मामला है, वो अपना बात कर रहे हैं। बिहार की जनता इस बार दोनों UPA और NDA दोनों से तहमाम है, तीसरे की ओर नज़र है, तीसरा गठन कौन सा होगा और उसमें आप लोग कितने शामिल हो पाएंगे? हम तो साफ हमें दिख रहा है, हम आध्यात्मिक आदमी हैं, भगवान श्री नर्मदेश्वर महादेव का मैं भक्त हूँ, मुझे साफ दिख रहा है कि ये जो विकल्प हम लोगों ने श्री आशुतोष कुमार के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ है यही इन्हीं के पार्टी का विकल्प लग रहा है और यही जैसे पूरे कार्य करेगी बिहार में। अरे पूरे दलित को का पूरे आपके बैकवर्ड क्लास सबके लिए कार्य करेगी और उनके जो उनका एक्चुअल जो हक है उनको दिलवाएगी, केवल बोलने से नहीं। आप यदि बात करें दलित की तो दलित के नेता हैं श्री रामविलास पासवान, उनके घर में कितने दलित को एंट्री होता है? कोई नहीं होता है। जो मिलता है योजना सरकार से वो कोई उठा ही नहीं पाता उसका लाभ, वो घूम फिर के सारे बड़े आपको टाटा बिरला सबको दे दिया जाता है, तो वो कहाँ योजना का लाभ कहाँ मिल रहा है उनको, चूँकि अवेयर नहीं है। अरे नेता चाहते भी नहीं है कि वो जागरूक हो, हम उसको जागरूक करेंगे। यदि आप MSME की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉलर एंड मीडियम इंडस्ट्री, इसके बारे में कितने लोगों को जानकारी है? मैं दिल्ली में जब था वहाँ से मैं कॉल किया हूँ 100 लोगों को, अनजान लोगों को बिहार में कॉल किया कि आप MSME के बारे में जानते हैं, आप CDB के बारे में जानते हैं, आप रजिस्टर्ड हैं इससे? बोलते कि नहीं जी हमें पता ही नहीं है। बैंक में पूछा कि आपको कोई नोटिफिकेशन आया है कि इनको इस योजना के तहत लाभ पहुँचाना है, बैंक को भी नहीं पता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये घूम फिर के ये केंद्र और सरकार के बीच में ही बातें रह जा रही है और लोग चाह नहीं रहे कि ये बातें सब तक जाए। यानी आने वाले चुनाव में सारे मुद्दों को लेके राष्ट्रीय जनजात पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में सामने आएगी और UPA और NDA दोनों को टक्कर देने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, UPA और चाहे NDA क्या है, वो भी भगवान के ही है, जैसे आत्मा परमात्मा की बात है, जैसे हम हैं ऐसे वो हैं, वो कोई अलग थोड़ी जन्म लिए हैं। तो नहीं, मैं बिहार की राजनीति में टक्कर की बात कर रहा हूं। टक्कर बिल्कुल देंगे, हम क्यों डरेंगे उनसे? हमारा जो नई पार्टी बनी है आशुतोष कुमार, क्यों डरेंगे उसे? बिल्कुल टक्कर देंगे और काम करेंगे, धरती पे काम करेंगे। उनके जैसे ही नहीं कि योजना बना दी और योजना का जो पैसा बच गया सारे टाटा बिरला में भेज दिए। लेकिन उसमें आपके समाज के लोग भी जुड़े हैं जो शायद डिवीजन करना काम कर जाए। देखिए जो जयचंद हैं वो तो हर जगह रहते हैं, वो मेरे ही समाज में, क्या दूसरे समाज में भी हैं? उससे हमें क्यों डरना है? हम जब मेहनत करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो घूम फिर के सब हमारे साथ आ जाएंगे और हमें उम्मीद है जब हम काम करें ग्राउंड से दलितों के लिए काम करेंगे। अभी देखा जाए कितने दलित का फोन आया है, अभी हमारे पास कम से कम ही तो 500-600 मिस कॉल पड़े हुए हैं और सब अनजान है, और जो भी कॉल आ रहे हैं हर जाति का आ रहा है, पहले नहीं आता था चूंकि भूमिहार ब्राह्मण की बात करते थे, अब सबके आ रहे हैं कि सर आप भी पार्टी में जा रहे हैं, भैया आप भी पार्टी में जा रहे हैं। हम लोग पार्टी में तो नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे, तो हम लोग फिर यदि पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो हम लोग उसके लिए हम रिकमेंड कर सकते हैं। आपका यदि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और आप काम करना चाहते हैं जन जन पार्टी के साथ, आपका स्वागत है और हमारा मुद्दा एजेंडा साफ है, हम आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए भी हम रिकमेंड किए हुए हैं। यानी ये पार्टी जो है ये पार्टी जन जन की पार्टी है? जी बिल्कुल, जन जन की पार्टी है, ये केवल भूमिहार ब्राह्मण की पार्टी नहीं है, ये पूरे सबका है, पूरे बिहार का, पूरे देश की पार्टी है। अभी हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयकांत भट्ट जी से बातें हुई, आपने राजनीति के बारे में भी सुना, आपने उनके एजेंडों को भी जाना और उन्होंने बताया कि अब ये पार्टी किसी एक खास वर्ग जाति का नहीं है, अब ये जन जन की पार्टी है जिसमें दलित ब्राह्मण भूमिहार मुस्लिम सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार की राजनीति में एक
चेहरा बन के, एक ताकत बन के उभरेगा और लोगों के सामने जाएगा और हर चीज़ों की बातें करेगा, हर विकास की बातें करेगा और लोगों के सामने अपनी बातों को रखेगा। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।